पहन रखे थे। वहां के कुछ लोग कहने लगे कि देखो कैसी चप्पल पहनी हुई है। विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि मैं अपने देश की, मैं सिर्फ पगड़ी पहनता हूं और जहां पर भी जाता हूं, जिस देश में भी जाता हूं, वहां की चप्पल पहनता हूं। यदि समझ में नहीं आया हो तो मैं समझाने की कोशिश करूं। कहने लगे बताइए क्यों। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने माता पिता गुरु, अपने देव, उनका सम्मान रखने के लिए अपने देश की पगड़ी अपने सिर पर रखता हूं और जिस भी देश में जाता हूं उनको अपने पैरों में रखता हूं। आपकी ताली नहीं होती, आपको समझ नहीं आया। उस वीर पुरुष की बात देखिए कि कितना बड़ा चिंतन था कि मेरा देश महान है, मैं अपने देश को सर्वोपरि रखता हूं और सबको मैं अपने पैरों में, पैरों की जूती समझता हूं। समझ में आ गई होगी मेरी बात। दूसरा एपिसोड इसी प्रकार से रहा, जब विश्व, जो शिकागो की बात करते हैं, धर्म गुरु का सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें गीता को जमीन पर रखा हुआ था। विवेकानंद जी को आमंत्रित नहीं किया, बिना आमंत्रण के जब वो वहां पर पहुंचे और गीता को जब नीचे देखा, जमीन पर देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मेरी गीता का अपमान। लेकिन मन में सोच रहे थे, पूछा नहीं किसी ने। उन्होंने स्वयं कहा मैं उस देश का वासी हूं, मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं, मुझे अभिमान है कि मेरा गीता जैसा ग्रंथ जो यहां पर नींव की तरह सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा मुझे बहुत गौरवान्वित हो रहा है कि अमेरिका की नींव मजबूत करने के लिए मेरा गीता जैसा ग्रंथ काम आ रहा है। जो नींव मजबूत होती है उसकी इमारत भी मजबूत होती है, इसलिए मुझे बहुत अभिमान है, मुझे बहुत गर्व है। जब उन्होंने ऐसे शब्द कहे, जितने भी धर्मात्मा थे उन सब की आंखों में आंसू आ गए। जो उन्होंने और ग्रंथ वहां पर सजा करके रखे हुए थे, जो अपमान कर रहे थे, उन्होंने उस गीता को अपने सिर पर रखा, माथे से लगाया और उनका स्वागत किया। ऐसे महापुरुष थे, निडर थे, निर्भीक थे, डरते नहीं थे किसी से। चरित्र निर्माण पर काम किया, वो सबसे चरित्र बाल। इसलिए ऐसी संसद के अंदर जो विश्व की संसद थी, उसमें जहां पर अपमान था उसको सम्मान में बदल दिया। ये सीख आप लोगों को लेनी चाहिए। इसी प्रकार से जब अमेरिका के अंदर, जब रास्ते में रात हो गई और कहीं रुकने की जगह नहीं मिली, तो तलाश कर रहे थे कि कहीं पर कहां रुका। तो बीच में जो हमारे यहां पर सीकर का काम चलता है, उसमें जो पोल डाले जाते हैं, देखे ना आपने, वो रात को उसमें रुकने के लिए जगह नहीं थी, कोई रुकने नहीं दे रहा था। और जब संसद लगनी थी तो उसमें संसद में जाना था। जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने विवेकानंद जी को देखा, ये तो वही मैले कुचले कपड़ों में, ये तो वही है, वही जेंटलमैन है। जब सुबह हुआ, जब जा रहे थे, तो उस समय की बात है, उस समय का बात था। जब उन्होंने कहा
कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जेंटलमैन वर्ड को यूज किया। तुम्हारे यहां पर जेंटलमैन दर्जी बनाता है, टेलर बनाता है मेरे, लेकिन मेरे यहां पर जेंटलमैन मेरे ग्रंथ और गुरु बनाता है। ग्रंथ और गुरु बनाते हैं। मुझे बहुत अपमान है कि आपने मुझे जेंटलमैन कहा। उनकी सोच को बदल दिया। वो उपहास कर रहे थे, वो मजाक बना रहे थे कि रात को तो हमने उसमें देखा था, आज यहां से जेंटलमैन देखो कैसा जेंटलमैन है, ऐसे कपड़ों में जा रहा है। वो महिलाएं मजाक बना रही थी, उनकी बात को बदल दिया। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे ज्ञापन हैं जो विवेकानंद जी के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम। आदमी मजबूत कैसे बनता है? जब विवेकानंद जी पढ़ रहे थे कुछ बातों पर आपने फोकस डाला, लेकिन जिनको आपने नहीं छुआ उनको मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब अध्ययन कर रहे थे तो मैं खक खक ज्ञान नहीं था, बाल्यावस्था जैसे तुम शैतानी करते हो, न मां की मानते हो न पिता की मानते हो, और कहते हो कि तुम तो पुराने जमाने को, तुम्हें तो पता ही नहीं। और गुरु जी कुछ कहते हैं तो जाकर के चार और लगा देते, ये पढ़ाना तो आता नहीं, हमने कभी नहीं कहा। ये आजकल के बच्चों का है, लेकिन विवेकानंद जी ऐसे नहीं थे। विवेकानंद जी हमेशा सच का साथ देते थे, और आपसे भी विनती करता हूं, सच सैकड़ों साल जीवित रहता है, सच को अपनाइए, सच को आत्मसात कीजिए, सच्ची किताबों को पढ़िए, सच्चे लोगों के साथ रहिए और सदमार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए। और यह मिलेगा कहां? यह मिलेगा कैसे? यह विवेकानंद जी से सच्ची तरह सुनिए। जब विवेकानंद जी को आत्मज्ञान नहीं हुआ, पढ़ लिख लिए, दसवीं कर ली, बारहवीं कर ली, फिलोसफी कर ली, बीए कर लिया, उस समय वो चिंतन में थे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा काम क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, क्या यही सब कुछ है, रोटी खाना, कपड़े पहनना, या इससे हटकर भी कुछ है? तो वो गुरुजी के पास पहुंच गए, काली मां पर की सेवा करते थे परमहंस स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उनके पास जाकर के उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु मानना चाहता हूं, मुझे आप मेरा ज्ञान दर्शन कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। कहने लगे बेटा अभी तुम भटके हुए हो, पहले अपने आप में कंसंट्रेट कीजिए, फिर मेरे पास आना। कहने लगे कैसे मैं कंसंट्रेट करता हूं, मेरा तो मन भटकता है, कंसंट्रेशन होता ही नहीं, कभी कुछ सोचता हूँ, कभी कुछ सोचता हूँ, कभी माँ के बारे में सोचता हूँ, कभी पिता के बारे में सोचता हूँ, कभी देश के बारे में सोचता हूँ, कभी वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो उनके बारे में सोचता हूँ, कभी क्रांति के बारे में सोचता हूँ, मुझे पता नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए, ये जानने के लिए मैं आपके पास आया। कहने लगे बेटा पहले मेडिटेशन कीजिए, आसन लगा करके आंख बंद करके बैठिए, एनालाइज कीजिए सुबह से शाम तक आपने क्या किया है, उस समय आपका दिमाग भटकेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब बिल्कुल आप कंसंट्रेट हो जाएंगे और सिर्फ ऊपर से वाइब्रेशंस आएंगी, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं होगी और आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। ये आप